आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौवंश के शव मिलने पर माहौल थोड़ा सा गर्माता हुआ दिख रहा है। इसी बीच वो जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा मीडिया से रूबरू हुए और जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई उसके अनुसार 17 तारीख को रात को यह घटनाक्रम संभवतः घटा हो सकता है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 19 जून को गरगटिया धूमा के करीब गरगटिया के पास 28, धनौरा थाना के सुनवारा के करीब पिंडरई में 22 और पलारी के करीब 7, इस तरह कुल 57 नग मवेशियों के शव 19 तारीख को मिले। उसके बाद 21 तारीख को कड़वे थावरी धनौरा थाना अंतर्गत यहां 8 और शव मिले। अगर इनको पूरा योग किया जाए तो 65 शव इनके मिले हैं और पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई आपके सामने आप देख रहे होंगे। पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को आनन फानन में रिलीव कर दिया गया। संवेदनशील सिवनी जिले में, चूंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील था और इस संवेदनशील मामले के रहते हुए दूसरे पुलिस अधीक्षक के आने का इंतजार भी नहीं किया गया, जिसे लेकर पुलिस महकमे में तरह तरह की चर्चाएं इसमें व्याप्त हैं और इस पूरे मामले में पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा का क्या कहना है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो वर्तमान में प्रभारी पुलिस अधीक्षक हैं उनका क्या कहना है, हम आपको सबसे रूबरू कराते हैं। पर अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि 65 गौवंशों का गला निर्दयता से रेतने का आखिर मकसद क्या था। इस बारे में अभी भी पुलिस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कोई बात नहीं कह रही है। खाली हाथ है अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। इस घटना को अगर गौवंश के मांस के लिए किया गया था तो उसका मांस वहाँ छोड़कर क्यों गए, और इतनी तादाद में 65 गौवंश अगर वहाँ पर निर्दयता पूर्वक जिनका गला रेता गया है उसका कारण क्या था, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए हम सुनाते हैं पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फिर पुलिस महानिरीक्षक का इस पूरे मामले में क्या कहना है। तो 3-4 दिन पहले वो घटना के बारे में आप सब तो मिले थे 19-24 को सूचना आई थी हमको अलग अलग स्थान से थाना धूमा के चिंता, उसमें पहला था अरगटिया चिंता। जब वहां पुलिस पहुंची तो 28 नग गौवंश के पाए गए, मृत अवस्था में पाए गए थे, जिसमें अपराध क्रमांक 214-24 और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और इसमें भी धारा 153 का इजाफा किया गया, जो एक गंभीर धारा है। फिर इसी दिनांक को 24 सुनवारा में धारा धनोरा उसमें जो उपरोक्त अपराध क्रमांक और जो उपरोक्त अपराध क्रमांक धारा के तहत 211-2-2024 और वही धारा गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और 153(1) का धारा का इजाफा किया गया था। इसी तरह हमको चौकी पलारी वैन गंगा नदी के देवघाट में गौवंश मृत अवस्था में पाए होने की सूचना मिली थी, जिसमें 7 गौवंश पाए गए थे, जिनका भी पूर्व के बाद ही पीएम कराया और इन सब समस्त मामलों में पीएम कराया गया और यथाशीघ्र
सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। फिर दिनांक 21/6 विलंब से सूत्र प्राप्त हुई थी, दिनांक 21/6/24 को कड़वे थावनी थाना धनोरा, इसमें जब मौके पे पहुंचे तो 8 गोमच मृत पड़े हुए पाए गए थे, जिनका भी नियम कराया गया। और वही एक धाराएं पशु क्रूरता अधिनियम और गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, और इसमें भी धारा 153 का इजाफा किया गया था। इन सब मामलों की जब विवेचना की गई और विवेचना के दौरान हमने पूरे जिले में 75 संदिग्ध संदेहियों को बुला करके और पकड़ करके पूछताछ की गई, तो उनसे जो खबर सामने निकल के आई उसमें निकल के आई कि इस घटना में जो मास्टरमाइंड है वो वाहिद खान पिता वाजिद खान है, 28 वर्ष है, निवासी ग्वाली चौकी बलारी थाना केवला लेकर सिवनी का है, जिसने नागपुर निवासी आरोपी इसरार अंसारी से घटना के पूर्व 30,000 रुपए गोवंश खरीदने हेतु बलारी में लिया था, जिस पर से आरोपी वाहिद ने अपने साथियों शादाब खान लूट करने वाले फादर संतोष कौले जी रामदास उइके के साथ मिलकर गोवंश उपलब्ध कराया एवं घटना को अंजाम दिया। इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से विजयनगर में यह प्रकाश में आया कि अब्दुल मजीद निवासी ग्राम की तबेरा गाड़ी से नोट करें, इसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि वासिफुल्ला अब्दुल लतीफ अंसारी निवासी मोमिनपुरा, दूसरा है मोहम्मद फकीर अहमद, ये भी मोमिनपुरा, तीसरा है मौजूदीन, ये भी मोमिनपुरा नागपुर के हैं सारे, कलंदर अंसारी निवासी मोमिनपुरा और मुइन आरोपी, ये इसी घटना में संलिप्तता की पाई गई है। ये वाहनों से आए थे, तबेरा वाहन से आए थे, एक स्विफ्ट डिजायर से आए थे, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इससे जब्त कर ली गई है। इसमें 3 आरोपी वाहिद शादा और इरफान, इनके खिलाफ एनएसई की कार्रवाई की जा चुकी है, तो शेष 2 आरोपी है संतोष और उनके खिलाफ की जा रही प्रक्रिया में। सामान्य तौर पर जब इस तरह से गोवंश काटते हैं तो खूब फल जाते हैं, परंतु खाया नहीं गया, ये कुछ अभी है और इसकी पुष्टि की इसकी पुष्टि फाइनल पुष्टि हम तभी कर पाएंगे जब हमें वो जो नागपुर के मोमिनपुरा के जो 5 लोग आए थे वहाँ तक उनको पकड़ने तक स्पष्ट हो, और साथ में उसका 6वां आदमी जो स्टार है जिसने इनको पैसे दिए थे, ये जो गोवंश पकड़ा है तब ये पूरी स्थिति हो गई। हम लोगों ने वहाँ पर रेड करवाए थे, चिन्हित भी करके पहले नाम स्पष्ट नहीं थे, पर नाम स्पष्ट हुए हैं, लेकिन सभी घरों में ताले हैं, इसलिए सभी पर इनाम घोषित किया गया है। हमारे सूचना संकल आप है और चिंता है, ठीक है, आप लोग के माध्यम से मिलती है या गाँव के जो लोग करते हैं, ये जो गाँव के लोग खाने वाले तभी पकड़े जाते हैं ना, सूचना तंत्र जो जो व्यक्ति है तो फिर तो आम लोगों के पीछे बहुत सारे स्टाफ पाए गए किस तारीख को 17 तारीख को 17 तारीख
लगा लिया है
सर सवाल ये था कि जिस समय अली में घटना घटी थी पिछले साल, उस समय श्री दयाराम शरणागत वहां के थाना प्रभारी थे, तो वही दयाराम शरणागत वर्तमान में धनोरा के थाना प्रभारी है, उनके रहते अली में घटना घटी थी और उन्हीं के रहते अभी आपके धनोरा में घटना घटी है। दूसरा एक कमल मरारी जो थे प्रधान आरक्षक, सर कमल तुमरा पलारी में जो गोमांस का मामला हुआ था, एक कुछ आदिवासी की मौत हो गई थी, उस पूरे मामले में भी कमल तुमराम जी की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, उन्हें लाइव अटैच किया गया था, और जब उनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई के बावजूद उनको धनोरा जैसे सेंसेशन क्षेत्र में पदस्थ कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता सर कि जो अधिकारी उनको वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए। इसमें तो यह है कि हमारे आदरणीय एसपी साहब और हम दोनों इस घटना के बाद आए थे, प्रेस भी कर रहे, जानकारी हम लोगों को नहीं थी, और क्योंकि केस जारी थी, केस जारी में तो किसी के नाम पूछे नहीं, केवल जनचर्चा जो थी आप बता रहे थे जनचर्चा रही होगी जो हमारे कानों में नहीं आई थी, इसलिए सर ने जो है उसकी अध्ययन जारी कर दिए थे, लेकिन जैसा अब आप कह रहे हैं तो इस चीज को संज्ञान में दिया जाए और ध्यान रखें। सुना आपने ये अधिकारियों का क्या कहना था, अधिकारियों के द्वारा जो बात बताई गई वो हमने आपको इस पत्रकार वार्ता में अधिकारियों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो उससे आपको रूबरू कराया। अभी भी इस मामले में मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर हैं और पुलिस को अभी भी ये बात नहीं पता है कि इस घटना को कारित करने के पीछे आरोपियों की मंशा, असल मंशा क्या थी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 19 जून बुधवार की ये घटना है और रविवार 23 जून को जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा मीडिया से रूबरू हुए और इस पूरे मामले में अभी भी इंतजार है तो मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने का। और यहाँ पर एक बात और हम आपको ये बता दें कि इसमें दो कुछ लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्यवाही की गई है। कौन कौन आरोपी हैं इस बारे में भी अभी आपको बताया। इस प्रकरण में 30,000 रुपये में गौवंश खरीदे गए थे नागपुर से इसरार अंसारी के द्वारा घटना के पूर्व। इसमें आरोपी वाहिद ने अपने साथियों शादाब खान के अलावा संतोष करवेती, रामदास उइके के साथ मिलकर गौवंश उपलब्ध कराए और घटना को अंजाम दिया। उक्त समस्त प्रकरणों में आरोपी वाहिद खान पिता माजिद खान, उम्र 27 साल, निवासी ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, दूसरा आरोपी शादाब खान पिता इस्माइल खान, उम्र 27 साल, निवासी ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, तीसरा आरोपी है संतोष करवेती पिता ब्रजलाल करवेती 40 साल निवासी है गरघटिया थाना धूमा रामदास, चौथा आरोपी है रामदास पिता महेंद्र उर्फ कारू उइके, इसकी उम्र 30 साल है और ये निवासी है ग्राम पुतर्रा थाना धूमा का, पांचवा आरोपी इरफान मोहम्मद पिता फैज़ मोहम्मद 58 साल का है खैरी चौकी पलारी थाना केवलारी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसरार अहमद के द्वारा जो ये तवेरा गाड़ी भी एक शायद जब्त की गई है जैसा बताया गया। इसके अलावा वसीउल्लाह अब्दुल लतीफ़ अंसारी निवासी मोमिनपुरा नागपुर, मोहम्मद वकील अहमद पिता वली अहमद निवासी मोमिनपुरा नागपुर, मोइनुद्दीन पिता मोहम्मद इसराइल निवासी मोमिनपुरा नागपुर, कलंदर अंसारी पिता मंजूर अंसारी निवासी मोमिनपुरा नागपुर, मुइन अंसारी मोमिनपुरा निवासी हैं। इनको गाड़ी में लेकर आया गया, इनका पता लगाने के लिए जब पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो सारे आरोपी
फरार हैं। हर आरोपी पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें से आरोपी अब्दुल वाहिद खान, शादाब खान, इरफान खान के खिलाफ NSA किया गया है। संतोष और रामदास के खिलाफ NSA की कार्रवाई अलग से जारी है और आरोपियों के पास से स्विफ्ट गाड़ी, स्विफ्ट डिज़ायर MP09CF3827 को जब्त किया गया है। इस पूरे मामले में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई खबर लेकर फिर हाजिर होंगे अखिलेश दुबे की इस रिपोर्ट के साथ। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।